नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली कर्व का जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये इसमें लिखा है कि ए 600 मीटर रेडियस कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बीजी। तो एक्चुअली क्या है, जिसका एक कर्व है जिसका रेडियस कितना है, 600 मीटर है। द स्पीड फॉर डिटर्मिनिंग द इक्विलिब्रियम कैंट इज फिक्स एट 80 km/h। और कहना चाहता है कि स्पीड जो है इक्विलिब्रियम कैंट का जो है 80 km/h प्रोवाइड किया हुआ है। द मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड इज 110 km/h, और उस कर्व का जो है मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड कितना है, 110 km/h। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कैंट, द मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, द मैक्सिमम परमिशिबल कैंट एंड कैंट डेफिशिएंसी आर 165 mm एंड 100 mm। एक्चुअली मैक्सिमम परमिसिबल कैंट जो है 165 mm और कैंट डेफिशिएंसी जो है 100 mm प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में। तो आगे देखते हैं हम लोग एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैंट जो है इसका हम लोग सॉल्व कर ले लेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम कैंट। तो एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम कैंट का आपको फार्मूला पता होगा, इक्वल्स टू होता है जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 R। तो एक्चुअली क्या है, जी जो है यहाँ पे डायनामिक गेज है, तो इसका एक्चुअली वैल्यू जो होता है 1750 हम लोग लेते हैं। और इक्विलिब्रियम एक्चुअली स्पीड जो है हमारे क्वेश्चन में फिक्स किया हुआ 80 km/h, तो 80 km/h हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे डिवाइड बाई 127 R। रेडियस ऑफ कर्व हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 600 मीटर दिया हुआ। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम कैंट का जो वैल्यू आ जाएगा 146.98 mm आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि एक्चुअली अब मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड भी हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है, एज मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड, एज मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड इज 110 km/h, तो कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड। तो कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड अगर अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो आपको भी पता है कि एक्चुअली ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 R। तो एक्चुअली जी हमारा एक्चुअली 1750 लेते हैं, इंटू भी जो है हमारा क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड 110, तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 127 आर, हमारा रेडियस ऑफ कर्व हो गया 600 मीटर। तो यहाँ से जो है अपन ई का जो वैल्यू है कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड जो है एक्चुअली कितना हो जाएगा यहाँ पे 277.88 आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 277.88। फिर आगे देख लेते हैं कि एक्चुअली कैंट डेफिशिएंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली कैंट डेफिशिएंसी जो है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। कैंट डेफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कैंट डेफिशिएंसी अपन जो एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम जो है कैंट और दूसरा की मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड का जो कैंट था उसका जो है डिफरेंस करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंट डेफिशिएंसी जो फाइंड आउट करेंगे तो 277.88 कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड माइनस इक्विलिब्रियम कैंट कितना था, 146.98 mm। एक्चुअली यहाँ से अगर अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 130.90 mm आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ से अपने को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, नोट करके यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि एक्चुअली परमिटेड कैंट डेफिशिएंसी जो है हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है 100 mm, एज परमिटेड कैंट, एज परमिटेड कैंट मेंशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 100। तो हमारे पास जो है एक्चुअली परमिटेड कैंट जो है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ 100 mm,
लेकिन हमारे पास जो है कैंड एफिशिएंसी क्या हुआ, 130.90 mm आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से जो है हम लोग कैंट एक्चुअल कैंट जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्चुअल कैंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैंट अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्चुअली कैंट फॉर मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड कितना था हमारे पास, 277.88, और माइनस जो है हमारे पास कैंट एफिशिएंसी जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ मैक्सिमम 100। तो एक्चुअली हम यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130.90 mm आ जाएगा, ये एक्चुअल कैंट आ जाएगा। तो एक्चुअली जो है यहाँ से अपन ये देख सकते हैं, एक्चुअली एक्चुअल कैंट जो है यहाँ से 277.88 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली कितना आ जाएगा, 177.88 आ जाएगा, 177.88 mm। तो एक्चुअली हमारा दूसरा ये है कि एक्चुअल कैंट इज़ टू बी लिमिटेड टू 165 mm। और दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया हुआ है क्या, कि एक्चुअल कैंट का जो वैल्यू होगा 165 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोग देख लेंगे आगे एक्चुअली यहाँ पे, बट एक्चुअल कैंट इज़ टू बी लिमिटेड टू 165 mm। एक्चुअल कैंट जो है लिमिटेड कितना होगा, 165 mm। तो दूसरा क्या है कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया है कि एक्चुअल कैंट अपने को लिमिट करना है कि 165 mm से ज़्यादा नहीं हो। तो अपन क्या है यहाँ से एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक कैंट एक्सेस होता है। कैंट एक्सेस अगर आपको पता नहीं है तो बताता हूँ मैं। अगर कोई भी कर्व में से अगर गाड़ियाँ अगर जाती है, जितना उस कर्व का जो इक्विलिब्रियम स्पीड है अगर उससे स्लो स्पीड में अगर गाड़ी जाएगी तो कैंट एक्सेस कहलाता है। तो कैंट एक्सेस जो है एक्चुअली जैसे गुड्स ट्रेन वगैरह जो है कुछ गाड़ियाँ जो है स्लो स्पीड में जाती है, तो उसका जो है कैंट एक्सेस अपन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली GV² / 127R। तो एक्चुअली गुड्स का हम लोग स्पीड जो है गुड्स ट्रेन का जो स्पीड जो है हम लोग एक गुड्स ट्रेन स्पीड एक्चुअली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड लेट अस एज्यूम एज 50 km/h। तो 50 km/h हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या है कैंट एक्सेस हम लोग अगर कैंट एक्सेस निकालना चाहें तो जी हमारा हो गया सर 1750 × V जो है एक्चुअली 50 हो गया हमारा √127R हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइड हुआ है 600 m। तो यहाँ से हम लोग कैंट एक्सेस जो है निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे आप तो 57.41 mm आ जाएगा। तो एक्चुअली आगे देख लेते हैं फिर, तो कैंट एक्सेस जो है हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं, कैंट एक्सेस हमारे पास जो हो जाएगा 165, जो कि क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ लिमिट, और माइनस 57.41 जो अभी आया था आपको कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये हमारा 107.59 mm हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 70, एक्चुअली हमारा जो है 75 mm से क्या है कैंट एक्सेस का जो वैल्यू होता है, जैसे अगर 100 से कम स्पीड में अगर गाड़ियाँ चल रही है तो उसका जो वैल्यू होता है 75 mm होता है लिमिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 75 mm। अगर 50 और जैसे 100 स्पीड से अगर कम से गाड़ियाँ चलती है तो वैसे केस में जो है कैंट डेफिशिएंसी का जो वैल्यू होता है कैंट एक्सेस का 75 mm होता है, और मोर देन 100 km/h के स्पीड से अगर गाड़ियाँ जाती है तो उसका जो कैंट एफिशिएंसी होता है 100 mm होता है। तो आगे देख लेते हैं एक्चुअली हम लोग एक्चुअल कैंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल कैंट अगर आप निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल
एक्चुअल कैंट वगैरह हमारा कितना हो जाएगा, जैसे ये हमारा क्या था, एक 57.41, ये क्या था, कैंट एक्सिस प्लस 75, ये हमारा 75 क्या था यहाँ पर मीटर वैल्यू। तो एक्चुअली यहाँ से हम लोग एक्चुअल कैंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 132.41 आ जाएगा। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं नियर टू 130, या उतना भी रहने दे सकते हैं आप, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा आपको। तो इसका क्या है, अब अपन जो है इतना अगर फाइंड आउट कर लिए तो अपन क्या है, इसके बाद मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड जो है यहाँ से, मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, तो एक्चुअली मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड इक्वल्स टू हमारा एक फार्मूला होता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ध्यान रखिए, वी इक्वल्स टू होता है 0.27 बीजी, रेलवे ट्रैक के लिए है ये, एमजी के लिए नहीं है, सिर्फ ब्रॉड गेज के लिए, 0.27 अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर। तो यहाँ पे सी ए क्या है, एक्चुअल कैंट है, सी डी क्या है, कैंट एफिशिएंसी है, और आर रेडियस ऑफ कर्व है। तो एक्चुअली आगे देख लेते हैं कैसे मैक्सिमम स्पीड हम लोग निकालेंगे। तो वी एम हो गया हमारा 0.27 अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि 0.27 और सी ए एक्चुअल कैंट हमारे पास क्वेश्चन में जो है हम लोग फाइंड आउट जो किए हैं कितना किए थे, 130 किए थे, प्लस कैंट एफिशिएंसी जो है कितना फाइंड आउट किए थे, कैंट एफिशिएंसी हमारे पास 100 था, कैंट डेफिशिएंसी 100 था, तो यहाँ पे 100 पुट कर लेंगे, इनटू आर जो है रेडियस ऑफ कर्व कितना था, 600, तो 600 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम स्पीड जो है हमारा एक्चुअली आ जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे तो 100.3 आ जाएगा एक्चुअली स्पीड के एम पी एच। तो एक्चुअली ये आ गया, तो यहाँ से क्या है, हम लोग आगे जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है आपको पता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का जो फार्मूला होता है, एक्चुअली तीन फार्मूला होता है, एक्चुअली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ए हो गया अपना, जैसे एल इक्वल्स टू 0.008 इंटू सी ए इंटू बी ए, मैक्सिमम जो स्पीड था ये। तो यहाँ पे हम लोग एल का जो वैल्यू निकालेंगे तो 0.008 इंटू एक्चुअल कैंट आपके जो क्वेश्चन में अपन फाइंड आउट किए हैं 130 इंटू भी हमारा जो है 100.3, ये अगर इसको अगर पुट करेंगे तो एक्चुअली जो है एल का वैल्यू जा जाएगा हमारा 104 मीटर आ जाएगा। आगे निकालते हैं एल का वैल्यू दूसरे केसेस में जो है, एक्चुअली एल इक्वल्स टू हो जाएगा 0.008 सी डी इंटू बी एम। तो एक्चुअली यहाँ से जो है 0.008 सी डी का वैल्यू जो है 100 है, तो 100 पुट कर लेंगे, इंटू बी एम का भी वैल्यू 100.3 है, ये पुट कर लेंगे तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर एल का तीसरे केसेस में जो है, एल इक्वल्स टू 0.72 इंटू सी ए हो जाएगा, सी क्या है, ए क्या है, एक्चुअल कैंट है। तो एक्चुअली 0.72 इंटू सी ए, एक्चुअल कैंट का वैल्यू हमारे पास 130 था कोई फाइंड आउट करने के बाद, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली 93.6 मीटर हो जाएगा। एक्चुअली जो तीन जो वैल्यू जो निकाले आपका, एक्चुअली ट्रांजिशन एक्चुअली एक पहले निकाले थे, और ये तीनों में से जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा जिसका, वो हमारा ट्रांजिशन लेंथ होता है। तो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू विल बी टेकन, विल बी टेकन एंड इट इज़ 104 मीटर। तो 100, ये 80 था, ये 93
3.6 था, और पहला जो निकाले थे आपको वो कितना था, 104 मीटर था। तो 104 मैक्सिमम वैल्यू विल बी एक्चुअली 104 मीटर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो हमारा जो कर्व होगा उसका जो है ट्रांजिशन लेंथ, जैसे अगर ये 600 मीटर का जो हम लोग कर्व का अगर एक्चुअली साइट वगैरह पे जो है अगर प्रोवाइड करना चाहे, तो इसमें क्या होगा 104 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, कैंट हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअली आपको एक्चुअल कैंट दिख रहा था 130 mm, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये कर्व जो था, तो जैसे एक्चुअली प्रोवाइड 104 मीटर ट्रांजिशन लेंथ, 104 मीटर ट्रांजिशन लेंथ, ठीक है, तो प्रोवाइड 104 मीटर ट्रांजिशन लेंथ। कैंट ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कैंट ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंट ग्रेडियंट जो है, कैंट ग्रेडियंट जो है 130 mm हो जाएगा। तो 104 मीटर का जो है ट्रांजिशन लेंथ होगा, और उसका जो कैंट जो होगा 130 mm का कैंट होगा। तो एक्चुअली ये ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और आगे भी शिफ्ट वगैरह भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। शिफ्ट का वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और जितने जितने ऑफसेट पर आपका बोला जाता है उस हिसाब से जो है आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एक्चुअली कर्व का जो है एक्चुअली एक्चुअल कैंट, कैंट एफिशिएंसी, कैंट एक्सेस और ट्रांजिशन लेंथ, इक्विलिब्रियम कैंट, ये सब जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में डिटेल में जो है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।